हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। अब हम करने जा रहे हैं सब क्वेश्चन नंबर 2। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व सब क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको k का वैल्यू निकालने बोला है। k का वैल्यू मतलब इक्वल रूट्स आपको बोला हुआ है, ठीक है। सो चलो करते हैं हम लोग इसको। सो पहले तो इक्वेशन के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट ओपन करोगे सो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको करेंगे हम कंपेयर, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयर करने के बाद a का वैल्यू k आता है, b का वैल्यू माइनस 2 k आता है और c का वैल्यू 6 आता है। सो देयर बट अभी देखो, सिंस रूट्स आर इक्वल, क्या है रूट्स इक्वल है, मतलब देयरफॉर डिटरमिनेंट इज 0, मतलब b स्क्वायर माइनस 4 ए सी इक्वल टू 0, ठीक है। सो देयरफॉर व्हाट इज b स्क्वायर, मतलब 2 माइनस 2 के का स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, 4 इंटू ए इंटू सी, सी का वैल्यू है 6 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर ये इसका सॉल्व करेंगे हम लोग, माइनस 2 के का स्क्वायर, देखो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और ये हो जाएगा 4 के स्क्वायर माइनस 4 6 है 24, 24 के इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 4 कॉमन आएगा, ठीक है, 4 कॉमन आएगा, 24k है इधर, 24k, 6 4 24k, सो यहाँ पे 4k कॉमन आएगा, बचेगा k माइनस 6 इक्वल टू 0, सो देयरफॉर 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0, सो देयरफॉर k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6। So, आपके पास दो वैल्यू आ गए, k का वैल्यू आ गया है आपका 0 और k का वैल्यू आ गया है 6। So, I hope आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम बढ़ेंगे, अगले वीडियो की ओर बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3 देखने मिलेगा। सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, टिल देन बाय बाय।